जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करने का नेताओं का सिलसिला भी लगातार बढ़ता जा रहा है, वो थम नहीं रहा। पिछले दिनों कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेता कलराज मिश्र पर यह आरोप लगाया कि कलराज मिश्र ने एक सभा में सवाल पूछने वाले से ये कहा कि अगर मुझसे सवाल पूछोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ट्वीट में रणदीप सुरजेवाला ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें कलराज मिश्र एक जनसभा में दिखाई दे रहे हैं। सुरजेवाला ने ट्वीट किया था, भाजपा की हिंसक मानसिकता का ताज़ा नमूना। कलराज मिश्र जी ने फरीदाबाद के सांसद के विरोध में नारे लगाने वालों को धमकी देते हुए कहा, अगर ये उनका प्रदेश होता तो इस तरह गड़बड़ करने वालों को वो स्टेज से उतरकर गोली मार देते। सुरजेवाला के ट्वीट को करीब 2600 लोगों ने रीट्वीट किया, 7000 से ज़्यादा लोगों ने इसे लाइक किया। कलराज मिश्र के इस वीडियो को जो सुरजेवाला ने ट्वीट किया है, फेसबुक पर कई लोगों ने शेयर भी किया है और सोशल मीडिया पर भी कई बार इसे अपलोड किया गया। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने इस वीडियो की जांच पड़ताल की और हमारी टीम ने यह पाया है कि यह वीडियो, ये दावा गलत है। ये संभव है कि आवाज कम होने की वजह से ऐसा अंदाजा लगाया गया। हमने फरीदाबाद में विजय संकल्प रैली के वीडियो की जांच की तो हमने पाया कि जब स्थानीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर भाषण दे रहे थे तो कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाए थे, जिससे कलराज मिश्र नाराज हो गए। जब हमने स्लोमो में उनका भाषण सुना तो हमें साफ तौर पर पता चला कि उन्होंने कभी गोली मारने की धमकी नहीं दी थी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के इस ट्वीट के बाद कलराज मिश्र ने खुद सफाई पेश करते हुए यही वीडियो पोस्ट किया, हालांकि ये वीडियो दूसरे एंगल से लिया गया था। कलराज मिश्र ने यह भी कहा कि कांग्रेस लोगों को झूठ बोलना और वर्गलाना बंद करे। कलराज मिश्र ने कहा था, चुनाव लड़ना है यही मापदंड नहीं है मित्रों, हमें बहुत खराब लगा, अगर हमारा प्रदेश होता तो मैं भी नीचे उतरकर वही बात करता। कलराज मिश्र के फेसबुक पेज पर पूरा भाषण मौजूद है। रणदीप सुरजेवाला और कुछ मीडिया संस्थानों ने वही बात करता को गोली मार देता समझ लिया। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने अपनी पड़ताल की, इस पड़ताल में दावे को गलत और भ्रामक बताया। इससे पहले हमारी पड़ताल में एक और वेबसाइट भी इस दावे को गलत बता चुकी थी। तो कलराज मिश्र ने ऐसा नहीं कहा, रणदीप सुरजेवाला के इस ट्वीट पर उन्होंने खुद भी सफाई देते हुए वही वीडियो पोस्ट किया था।